अरे बाबू क्या कर रहे तुम? हाय, हेलो एवरीवन। मैं बना रही हूँ दातुन। कल है गणगौर की पूजा, उसके लिए ऐसे छोटे छोटे दातुन बना रही हूँ। 8 और 8 16 ये बन चुके हैं मेरे। 3 4 5 6 7 और 8 ये कल पूजा में काम में आते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही बना के रख देती हूँ, ताकि फिर मुझे बहुत भाग दौड़ ना हो। इसे मोदी से बांधूंगी। ये कितने बनाने पड़ते हैं आपको? 2, अगर शादीशुदा है तो 8 और 8 16, कुंवारी है तो 16 और 16, ऐसे 2 बनाने पड़ेंगे, 16 16 32। और जिनका उजड़ना हो जाता है उन लोग बनाती है 4 और 4 8। तो अभी मेरा उजड़ना होने का है, मेरी शादी हो गई, इसलिए मैं बनाती हूँ 8 और 8 16। और ये बनाने के बाद अभी मैं बनाऊंगी फल, वो भी मैं बताऊंगी कैसे, मतलब शक्कर पारे जैसे रहते। और ये हो गया मेरा काम, कल की पूजा है और मैं आपको मिलूंगी फल बनाते वक्त। अरे बाबू क्या कर रहे हो आप? अब वापस आ गए। मैं बना रही हूँ क्या बना रहे हो आप? बता रही हूँ, याद कर रही हूँ। क्या बताना नहीं चाहते हो? मैं ना मीठी बना रहे हो ना, मीठे चीज। मैं बना पांगे? रही हूँ। नहीं ना रे, शक्कर पारे जैसा ही रहता है पर इसको फल बोलते हैं, तो मैं बना रही हूँ पूजे के लिए फल बना रहे, मीठे फल बना रहे। हाँ, आटे के। तो ये आटे के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल का मोयन डाला है, नॉर्मल तेल का मोयन, कितना जितना देखो जैसे इतना गट्ठा बने, जितना कम या ज्यादा हो गया तो वो फिर अच्छे नहीं बनते। और इसके अंदर तिल डाला है, खोबरा किस डाला है, और अब इसके अंदर मैं गुड़ का पानी डालूंगी, पर गुड़ का पानी छान के, क्योंकि गुड़ के इसके अंदर नीचे किरकिर रहती ना, इसीलिए। और थोड़ा थोड़ा ही डालना है, नहीं तो आटा बहुत नरम भी हो सकता है, ठीक है। और इसको अच्छे से गूंथना है। इसके कितने बनाओगे आप? जैसे मैंने दातुन 16 बनाए ना, तो ये फल भी 16 ही बनाओगे। ओके। ये कल भी बना, कल पूजा है तो कल सुबह भी बना सकते हैं, पर एक दिन पहले बना के रखा तो भी चलता है, खराब नहीं होते हैं। बहुत से लोग इसकी मीठे पपड़े बना के भी खाना पसंद करते हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, जिसको शक्कर और मैदे का नहीं खाना रहता, उन लोग गुड़ और आटे की पकौड़ी बना के खाते हो। बाद में इसको अपने को तलना है। ये बनेगा आटा, ये है कड़क, इतना टिफ। और अब इसके छोटी छोटी गोली बनानी, कितनी? 16। ये हो गई 16 गोली। अब इसको कैसे बनाना, पहले अच्छे से मसल लेना और फिर ना इसकी ऐसी गोली बनाना। गोली तो ऐसे गोले बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 2-3 उंगलियां है, ये 3 उंगलियों से इसको थोड़ा सा ऐसे उठा देना, ये ऐसे बन गया। ऐसे अपने को 16 बनाना। और मैंने तेल गरम किया है, yes। इसमें थोड़े क्रैक्स आएंगे, जैसे छोटे छोटे क्रैक्स, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। फल तो मेरे बन चुके हैं, अब इस फल को मैं तलूंगी तेल में, धीमे आंच पे तलना है। और बहुत ही पहले एक डाल के देखना है कहीं ये फूटे ना, क्योंकि अगर इसमें मोयन कम ज़्यादा हो जाए तो ये फूट सकते हैं, बिखर सकते हैं। तो अगर ये नहीं बिखर रहे हैं तो फिर आप इसको सारों को डाल के तल लीजिए।
है, आप चाहो तो इसको और ज़्यादा क्रिस्पी कर सकते हो, पर मैं इसी लेवल पे इसी कलर पे निकालूंगी क्योंकि ये एक ग्रेड और डार्क हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो ये हो गए मस्त मेरे क्रिस्पी क्रिस्पी, मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है भैया। रानी खम्मा, ये बन चुका है प्रसाद। कल हमने बनाए थे फल, ये है पूड़ी और सीरा, ये लगता है भोग में, और मैंने आधे से ज्यादा पूजा मान चुकी हूँ जैसे कि आप देख सकते हो। ये है गौर, ये हफ्ते भर में इतनी बड़ी हो चुकी है। शिव जी की फोटो है क्योंकि मेरे पास गनगौर प्रॉपर नहीं है, और यहाँ पर मैं लगाऊंगी टिक्की, और ये गणेश जी की स्थापना कर दी है मैंने, अब पूजा करेंगे। दे दो मेरे को। और कौन है आपके साथ में? मेरे साथ में मेरे सुहाग, मेरे पति देव। कौन है बताओ आपको, मेरे साथ कौन है बताओ? सेंग टेडिंग, एक बार फिर से गणी अम्मा। अब अगर दो लोग रहते हैं तो ऐसे उंगली में उंगली पकड़ते हैं, पर अगर अकेले हैं तो ये उंगली में ऐसे अंगूठे पकड़ते हैं। और ये कल मैंने आपको दातुन बताया था, इससे करेंगे। सबसे पहले मैंने भोग लगा दिया है, और सात कचोला ईश्वर गौरा दोनों जोड़ा राम जरा जी सदा में राणा राजपति मनमाड़ सभा।